ये है भारी लेवल यार। तू तो कहता है वीआईपी है, वीआईपी तो है। ये देखिए बहुत वीआईपी है। अब यू चेक करें, अभी हम जा रहे हैं गन्ने का जूस पीने, उसके बाद आगे हम फिर से देखते हैं, अगर हुआ ये बंदा तो ठीक है वरना नहीं ठीक है, क्या कहते हो? उसके साथ नहीं था, नहीं बोले दुकान के साथ नहीं था वो गन्ने वाला, तो सर हम जा रहे हैं अब वहाँ हमें लेकेट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसा कि आपको पता है कि मास भट्ट की दाढ़ी बड़ी बढ़ चुकी है, वो मौलवी बन गया इस घर का, वो कटवाता नहीं है, वो कह रहे मैं ईद पे ही अपना न्यू लुक लाऊंगा। तो आज हम उसे एक ऐसा चैलेंज देंगे जिसे उधर से हर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ऐसा चैलेंज देंगे ना वो बोलेगा भाई मैं नहीं करना। तो हम मेरे से अब कहते हैं कि अपनी दाढ़ी कटवाने जाए, इसके लिए स्पेशल मैंने सलून ढूंढा है मार्केट में, बहुत स्पेशल है, आप देखते होंगे कभी कभी। आज मैं इस मौलवी से मिलाता हूँ, मौलवी साहब आ जाओ। मैं मौलवी नहीं बोलने का, इसकी हमने दाढ़ी कटवानी है, बाल नहीं कटवाने क्योंकि ईद भी न्यू लुक आएगी। हाँ, ईद पे न्यू लुक आएगी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि मेरी दाढ़ी कटवानी है? हाँ, मैं एक स्पेशल सलून जो स्पेशल एक सलून ढूंढा है, बहुत वीआईपी है, देखेगा तो हर दफा जाएगा। वीआईपी है, वीआईपी बहुत है। क्या क्या मॉल है उधर का? मॉल एसी शेसी सब कुछ है। हां, तेरे लिए स्पेशल दोएगे तेरी दाढ़ी। सही बात है। हां सही बात है। आपके कहने पे हम आज के मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप दाढ़ी कटवाओ। मैं कहा मौलवी है, मैं मौलवी रहा हूँ, ना छेड़ो मैं लंगा नू कुत्ते पैसे डंगा नू, ये वाला हिसाब है हमें, ना छेड़ो। तो हम आपने आप दे दिए, अब हम कह रहे हैं कि चलो हम आद भट्ट साहब की कभी मान लेते हैं, मान ही लेते हैं। हम आद भट्ट साहब बड़ा कह रहे हैं कि वी आई पी है, बड़ा वी आई पी। हम आद भट्ट साहब पता नहीं कहाँ ढूंढ के हैं, आगे पीछे तो मैं हमाद को लेके जाता हूँ, आज हमाद मुझे लेके जा रहा है। ये एक इत्तेफाक समझ लें या वैसे उसका चैलेंज का हिस्सा समझ लें? तो मार बार साहब चलें, चलो चलते हैं, फिर न्यू लुक लेके आते हैं बिफोर एंड आफ्टर वाली। तो मार बार साहब मुझे लेके जा रहे हैं पिपस कलोनी। हम जा रहे हैं एक ऐसी शॉप पे जो बड़ी भी आई थी। हम आगे कहने पे मैं कटिंग करा रहा हूँ, करानी भी चाहिए। हाँ करानी भी तो चाहिए, नहीं बियर्ड काट दो। मैं कह रहा था कि मौलवी बन जाए, मौलवी मौलाना तारिक जमील। जाओ जाकर बैठो, मैं नहीं जा रहा। बैठ अरे, ये देखिए डरपोक गुंडा यार, इसने बहुत गंदा चैलेंज दिया यार। वीआईपी बहुत है, मैं नहीं कर रहा भाई, पावर है वीआईपी, मैंने मार दिया। वीआईपी जगह, वीआईपी 10 रुपए की घड़ी। बलबूत आए हैं, लेकिन वो बंदा है ही नहीं जिससे हमने करवानी है, वहीं गए गायब हो गया कहीं। मार अपनी खुद ही कर ले कटिंग। मैं वही कह रहा हूं, ये बड़ी अच्छी लोकेशन है, वो गोद में बैठ रही है सामने। ये लोकेशन है, सारा व्यू ठंडी ठंडी हवा है, लेवल आता है यार लेवल। अरे बंदा नहीं है अब, क्या चलते हैं, चल चलते हैं, बाद में आएंगे, आएंगे तो जरूर कटिंग कराने लेकर आता हूँ इस बंदे की। करते नहीं निकलना है। वो देखे सामने दो ये बंदे भी आ रहे हैं और दांत छुपी है। अब किधर जाना है? घर। घर चलो ठीक है, घर चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं गन्ने का जूस पीने, उसके बाद आगे हम फिर से देखते हैं, अगर हुआ ये बंदा तो ठीक है वरना
नहीं ठीक है, क्या कहते हो? या पहली दफा वैसे कटिंग कराने लगा मास? पहली दफा, पहली दफा नहीं, आगे क्या मैं कटिंग नहीं कराता है? नहीं नहीं, इधर से ये आप इधर ट्राई जरूर करें, बहुत लेवल का सलून है, सब कुछ इधर दस्तयाब है। उसके साथ नहीं था नाई वाले की दुकान के साथ नहीं था वो गन्ने वाला, तो इधर हम जा रहे हैं आप मास, हमें लेके जाता है हमें पहुँच गए। और उधर जो उधर अंकल बैठे हैं वो कह रहे हैं मैं खुद यहाँ पे कटिंग कराने आ रहा हूँ। मास्क मैंने बक्स दिया है इस वजह से ना उसे मास्क बाट पर बक्स दे हैं, और अभी से सही वाले सुनाओ देखे जा रहे हैं, सही वाले सुना, सही वाला, सही वाला, अच्छे वाला, बुढ़ो वाला किधर चले फिर मास्क बाट मोहल्ले वाले में अपना मोहल्ला कटिंग के पार्ट के इतने छोटे से हैं मेरे बाल, मेरा बड़ा दिल है कि मैं बड़े रखूं लेकिन कटवाने पड़ देते हैं, तो ये स्कूल ले कह देते हैं कटवाओ कटवाओ, बोल रहे थे बकरा बाल, नहीं इसका मकसद क्या है बकरा बाल का, लीला बाल बकरा बाल में क्या क्या बोल रहे होते हैं टीचर, बकरा बाल है लीला बाल है, टीचरों को मुझे इतने लंबे लंबे बाल होते हैं हमें कह रहे होते हैं। सो हेयर हमारा मुझे सैलून बिठाता है तो मैं कट ऑफ करवा देता हूँ, अपना ख़त करवा देता हूँ, तो होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग, इस वीडियो को आपने लाइक करना है और शेयर लाजमी कर देना है और कमेंट डाउन करके बताना कैसा लगा। अगले व्लॉग तक इजाज़त है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।